आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने काफी सारे डायनो किए थे जिसमें से सबसे सब पहला है अपना ऑटर भाई ऑटर क्या ही शानदार लगता है और इसकी एबिलिटी जिन लोगों को नहीं बता, उनको बता देता हूँ ये ना हमें सर्दी और गर्मी दोनों से बचाता है अगर मैं वैसे मैंने कपड़े पहन लिए हैं यार सर्दी वाले जिस चीज ने नोटिस किया वो फटक से लाइक करो और भाई ये पता है हमें गर्मी में भी बचाएगा सर्दियों में भी बचाएगा तो ऑर्टर बहुत ज्यादा कमाल है और इसकी एक और एबिलिटी है जो आर्टिफेक्ट होते हैं जो हमें बॉस मारने में कहते हैं उनको ये स्टोर करता है तो भाई ये बहुत अच्छा डाइनो है और क्यूट इसकी एबिलिटी बहुत कमाल है यार। मैं दिखाता मतलब हूँ तुम लोगों को दिखाऊंगा एक ऑफलाइन दो एक्स एग की टेम करके लेके आया हूँ जो की बहुत शानदार लगते हैं भाई और इनकी एबिलिटी क्या होती है इनका मिली डेमेज ज्यादा होता है एक्स वालों का और मैं दो टेम करके लेके आया था दोनों प्लेयर है तो भाई इनके एग आते रहेंगे भाई बच्चे बच्चे मजेदार और गाइज दोनों रेप्टर्स का मैंने लेवल भी बढ़ा दिया तो हाँ अब ये थोड़े थोड़े पावरफुल हो गए लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा कमजोर है मतलब इनको मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं बोल सकता और अपनी मेविंग मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड तो नहीं की लेकिन हाँ अब बहुत ज़्यादा कैपेबल है इसको लेकर अपन लोग कहीं भी जा सकते हैं बस ऑल की सेटल नहीं बनाई बाकी सबकी मैंने सेटल बना दिया और पिना दिया है और गाइस लास्ट वीडियो में भाई क्लेच हो गया था मुझे नहीं पता देखो मैंने अपलोड कर दी थी टेन थर्टी पे और वो होती नहीं है भाई प्रोसेस ही नहीं हो पाई यूट्यूब इतना ग्लिच दे रहा है उसे चार घंटे लगते हैं प्रोसेस होने में यानी मैंने अपलोड कर दी तो चार घंटे बाद आप लोग देख पाओगे भाई ये कैसे चलेगा फिर डेली मैं कैसे वीडियो अपलोड करूंगा मेरे को समझ नहीं आ रहा चार घंटे प्रोसेसिंग में लगा देगा मतलब अपलोड होने के बाद भाई ये बहुत बड़ा ग्लिच है मुझे नहीं समझ आ रहा है यूट्यूब यार ऐसे क्यों कर रहा है और गाइज आप लोग क्या ही सपोर्ट दिखा रहे हो थैंक यू गाइज आप लोगों ने इतनी जल्दी लाइक कर दी लेकिन गाइज अभी पचास लाइक नहीं हुए जब मैं एक वीडियो कर रहा हूँ और आई uh, थिंक हो जाएंगे नहीं होंगे तो अभी नहीं लेकिन अपन मोसा सोर टेम करेंगे फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं टेम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी कुछ डायनो है जो मुझे से पहले और गाइज थैंक यू फॉर द सपोर्ट और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दू, इस दूसल पर चल रहा है 100 100 और ये है डे टेन एंड आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है से सब्सक्राइब करो अगर आप लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर रेक्स फेंक के मारो स्टेगो वोटर फेंक के मारो मुझे नहीं पता बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक

सब्सक्राइब करो गाइज मुझे नहीं पता जैसे ही हजार सब्सक्राइब हो जाएंगे मैं आर्क प्राइमल की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा तो अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग आर्क प्राइमल खेलें तो फटाक से सब्सक्राइब करो और फिर आप लोग मस्त लेके आएंगे भाई आर्क प्राइमल तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस माता वीडियो को उससे पहले अगर लोग नए हैं तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गो गाइज ओके okay गाइस तो चलो चलते हैं उससे पहले ना मेरे को आप लोगों को एक चीज दिखानी थी मैंने एक बहुत मस्त मोड किया है अगर मेरे को दिख जाएगा ये है किधर गया एक मिनट गाइस एक मिनट देना मेरे को तो गाइस ये वाला मोड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था तो फटाक से बना लेते हैं पता है इसके मतलब मैं दिखाऊंगा इसका यूज क्या भाई बहुत ज्यादा कमाल मोड़ है इसको मैं ना यहीं कहीं रख देता हूँ और देखने में तो बहुत प्यारा लगता है ना इसको ना एक अच्छी जगह पे रखना चाहिए मेरे को क्योंकि बहुत से ही ज्यादा कमाल है इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ भाई क्या ही धांसू लग रहा है ये देखो गाइस कितना कमाल लग रहा है ये देखो पता है इसका यूज क्या मैं यूज दिखाता हूँ भाई पता है आप लोग आप इसमें अपने कपड़े बना सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन वाले कपड़े हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फिलहाल मेरे को ना अपने लिए एक कपड़े बनाने हैं और ये वाले कपड़े मेरे को अच्छे लग रहे हैं वैसे ये वाले भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं ओह तो गाइस इसमें ना बहुत तरीके के कपड़े हैं तो मैं ये वाले बनाने वाला हूँ भाई मेरे को ट्राई करने थे भाई ये थे, और मैं दो तीन चीजें और बनाने वाला हूँ ये तो अपना चेस्ट हो गया ठीक है उसके बाद अपन लोगों को हेलमेट देखना है एक ये है एक ये है भाई सींग वाला बहुत दाँसो लग रहा मैं सींग वाला बनाने वाला हूँ भाई कितने प्यारे प्यारे आउटफिट है और ये भी अच्छे हैं लेकिन अब अपन लोगों को चाहिए पैरों के लिए हाँ पैरों के लिए ये है तो ये अपना पेंट हो जाएगा ये अपने जूते हैं जूते मैं जल्दी से बुला लेता हूँ जूते भी पहने और ये शायद अपना यस तो ये अपने ग्लव्स हैं तो ग्लव्स भी ले लेते हैं फिर आप लोगों का गाइस अपनी तलवार वगैरह चाहिए मेरे को ये शोर की स्कैन है ये अपनी ओ ये वॉल माउंट है था गाइस अपने कितनी सारी चीजें भाई वॉल माउंट और इतनी सारी चीजें भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मैं एक ना एक्स वैक्स ओ भाई ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार Guys, ये वाला मॉडल मेरे को बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये अच्छी लग रही है ये देखते हैं अपन लोग बना सकते हैं या नहीं अब देखो मैंने सारी चीजें बना तो ली अब इनको यूज भी तो करना है भाई देखते हैं ये कैसे लगेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इसके लिए ना क्योंकि देखो ये वाले कपड़े अगर मैं पहनूंगा ना तो ऐसा लुक लगेगा अपना जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई अब चलो ट्राई करने वाले हैं ये वाले कपड़े तो गाइज फटाक से ट्राई करते हैं भाई कैसे लग रहे हैं ओ भाई ओके अभी तो मेरे को पैंट चेंज करना है हाँ भाई एक मिनट ये घंघरिया कैसे चेंज होगी मजाक <laughs> से हटके भाई ये घंघरिया अच्छी नहीं लग रही मेरे को यार बात तो सही है तो गाइस कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपना और अच्छा तो लग रहा है यार लेकिन यार ये देखो इसके जो वेस्ट है जो कमर है उस पर वो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को पता नहीं क्यों बाकी तो गाइस नॉर्मल लग रहा है इसकी सींग भी अच्छे लग रहे हैं बट यार मेरे को इतना पसंद नहीं आया सींग वगैरह वो तो मैं हटा दूंगा लेकिन मेरे को दूसरे वाले चेक करना है मैं देखो ये वाला अपन लोग ट्राई कर सकते हैं लेकिन यार अपन लोग ने ये वाला बनाया ना ओ पता नहीं यार मैं ओ ये वाले आंसू लग रहा हूँ भाई अभी ना मेरे पास बहुत सारा आयरन था जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ भाई लेकिन वही ये चाहिए मेरे को बहुत कमाल लगेगा भाई कपड़े तो अच्छे होने चाहिए ना तो इसलिए हाँ भाई चलो ट्राई करते हैं ये वाले नए वाले देखते हैं गाइस कैसे लगेंगे आई होप ये वाला अच्छा लगे प्लीज़ अच्छा लगना भाई ये कंगरिया हटा दो भाई ओके गाइस अब अच्छा लग रहा है गाइस आ हा अब देखो अब इसकी वेस्ट क्लीन लग रही है और मैं सोच रहा हूँ हेलमेट हटा देते हैं भाई हेलमेट इतना प्यारा नहीं लग रहा मेरे को तो हेलमेट हटा देने वाला हूँ मैं इसको जल्दी से रिमूव कर देता हूँ स्किन को और ये कैप भी नहीं कैप तो पहननी पड़ेगी तो हेलमेट यार दूसरा वाला चेक कर लेते हैं गाइस दूसरा वाला अच्छा लगता मतलब जो जिसमें सीन नहीं थे ये वाला ट्राई कर लेते हैं आई होप ये वाला अच्छा लगे प्लीज प्लीज अच्छा लगना भैया और जो मैं यूज नहीं कर रहा वो मैं यही रख देता हूँ स्कून स्किन स्कून चुप सातवीं फेल चुप तो गाइस कुछ इस तरीके का अपना लुक है जो कि बहुत शानदार लग रहा है अब ऐसे देखते हैं भाई ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है यार अच्छा लग रहा है एंड भाई आप लोग बता ना ये वाला मोड कैसा लगा मेरे को तो काफी अच्छा लगा एंड अगर आप लोग देखो ना इसकी कमर पे देखो तलवार है भाई ये देखो कितनी प्यारी लग रही है अब खेलने में मज़ा आएगा भाई ये देखो कितना प्यारा लुक लग रहा है भाई अब हम लोग लग रहे हैं एक वॉरियर तो गाइस चलो चलते हैं अब टेम करने चलते हैं देखो टेम करने से पहले मैं सोच रहा हूँ बाय वन के अंडे ले हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा मुश्किल भी रहेगा और मैं लेके आने वाला हूँ डेस्मोट इसके साथ चलेंगे और वहाँ पर अपना डेस्क मोडस् निकाल लेंगे और भाई अर्जेंट है सब बहुत ज़्यादा मजेदार है उसकी वजह से पता है मैं बहुत सारा मेटल ले आया वरना भाई नहीं हो पाता और हाँ मैंने केमिस्ट्री बेंच भी बना लिया भाई तो नार्कोटिक की कमी नहीं है मैं थोड़ा सा नारकोटिक ले लेता हूँ एक मिनट नार्कोटिक कहाँ गया मेरा सारा का सारा मैंने बनाया था यार अच्छा मेरे पास ये है दो सौ नार्कोटिक है बस अपने पास नार्कोटिक कम है भाई मेरे को और नार्कोटिक बनवाना पड़ेगा तब तो मैं थोड़े से एरो बना लेता हूँ गाइस एरो बनाना जरूरी है भाई क्योंकि अभी ना अपन लोग सी एरो से ही काम कर रहे हैं तो फिर एरो होने चाहिए बाकी चलो चलते हैं यहाँ से अब देखो मैं ना मेविंग के साथ चलते हैं और वहाँ निकाल लेंगे अपना डेस् मोडस बेस्ट है और तो कुछ नहीं बोल रहा मैं भूल रहे होंगे तो ले आएंगे भाई कितना टाइम लगता है लेट्स गो गाइस भाई पहले बाई वन के अंडे और उसके अंडे लेके आने हैं उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन लोग चलो चलते हैं वैसे पता है अभी कोई अच्छी ड्रॉप मिली नहीं है मेरे को अगर मेरे को एक अच्छी ड्रॉप मिल गई ना तो मैं अपग्रेड करा लूंगा एक बार मेरे को स्नाइपर राइफल मिल जाए जिसकी अच्छे ब्लू वाली हो या फिर मतलब तीन के आसपास हो और उसको अपग्रेड करा लेंगे तो हज़ार के आसपास उसका डैमेज हो जाएगा भाई उसके बाद वो बहुत खतरनाक हो जाएगी और भाई इस डर आगे ना याद ताज़ा हो जाती हैं भाई अपने पास वैसे वैसे एक स्पेस से टेम करना है मेरे को चलो भाई यहाँ तो पहुँच गए अब यहाँ मैं अपना डेस्क मोटर्स निकाल लूँगा नहीं 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 भाई मेविंग अगर नीचे गिरगी ना प्रॉब्लम हो जाएगी मेविंग पे रहे। तो यहीं मेबिंग है अंडे चुराने का लेट्स को वैसे यार मैं इधर गलत ही उतरा ही उत... नहीं अपन बाई वन के भी तो एक चाहिए भाई मैं गलत इंसान को लेके आया हूँ ये पिटेगा भाई बस ना इसकी आग की वजह से मैं ना मर आऊँ यार बाकी तो मोडस बहुत पावरफुल है एंड सची बताऊ ये तो बहुत सारे बाई वन है एंड इनके अंडे भी बहुत सारे हैं भाई थ्री फिफ्टी ओ माय गॉड गाइस मिल गया जो चाहिए था वो मिल गया अभी मैं ना इनसे पीछे छुटकारा मतलब यार ये मेरे पीछे पड़ गए ओ हो भाई भाई तुम लोगों का दिखाऊं चलो देखो भाई क्या खतरनाक नज़ारा पीछे तीन तीन वाई वन है एक नहीं मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाऊं देखो भाई अच्छे से दिखा नहीं सकता सॉरी 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 भाई चलो केप के बाद तो आ गया मैं लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई ये ना दूसरा रास्ता है ये पीछा नहीं छोड़ेंगे मैं घूम के जाएगा फिर से गाइस तो जो 350 वाला था वही मेरे को एक चाहिए भाई कैसे भी कहकर वो 350 वाला एक मिल जाए भाई ओ भाई अच्छा यहाँ से निकला ना ये है तो इसको ना बाद में लेने आऊँगा गाइस पहले चलते हैं भाई मैगमा और के अंडे लेके आते हैं भाई उनके अंडे लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है ऑल दो लोग ले तो आएंगे भाई नीचे क्या ही खतरनाक चल रहा है देखो भाई नजारा देखो भाई बाय वन ओ शिट ये कौन सा बाय वन है भाई अल्फा अल्फा बायन अगर मेरे पीछे पड़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनको तो मैं मार देगा मेरे देखो इसको तो मैं मारेगा देखो मेरे को नहीं पता गैस मैं एक दो को तो मार के जाऊँगा क्योंकि वरना ये मेरे पीछे ही पड़ते रहेंगे अगर सभी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे मैंने कहा था सभी को ऐसे नहीं छोड़ सको ओह भाई इसकी हेल्थ देखो हाँ मैंने पता वाइल्ड है वाइल्ड डायनोस की हेल्थ बढ़ा दी है ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए यार गेम अदरवाइज बहुत इजी हो जाता तो मैंने कहा चलो यार आप उन लोग तो मतलब प्रो प्लेयर प्रो प्लेयर तो नहीं बोलना चाहिए भाई साहब गाइस हो गया मेरा हो गया भाई नहीं भाई। तो भाई। चलो गाइस चलते हैं बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ एक बाय वन बैठा वो भी बहुत खतरनाक बाय वन भाई थ्री फोर्टी का बाय वन है उससे बच के निकल जाऊं बस एक बार ओ भाई बच गया बच गया बच गया भाई निकल निकलाए गाइस आए बस 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 वही भाई खतरनाक था अंदर तो वो नहीं आ पाएगा अगर थोड़ा और अंदर आ जाए तो इसके अंदर तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है तो इसके अंदर नहीं आ पाएगा गाइस तो भाई तो चलो पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट करेगा ऊपर लटक जाएगा और स्टेमिना बढ़ाएगा क्योंकि स्टेमिना पूरा खत्म हो गया है उसके बाद गाइस चलेंगे मैगमसोर के अंडे लेने एक बार बढ़िया अंडे मिल जाए ना भाई थ्री का मिल गया बाई का और दो लेके आऊँगा मैं दो एटलीस्ट दो ओहो ये ओने आ रहा है मेरे पीछे तुम यार इतना बड़ा पक्षी नहीं दिख रहा तुम्हें तो अटैक करना ये अंदर कैसे आ गया ओह ओ भगवान ये क्या चल रहा है इस दुनिया में ये ये अंदर कैसे आ गया हमारे फ्लायर अंदर आते नहीं और ये मस्त वह घूम रहा है ओह माय गॉड इसको यार कोई परेशान नहीं कर रहा मतलब इससे कोई कुछ कह नहीं रहा ये तो तुम्हारे अंडे ले जाएगा मैं और इसको मारो यार इसको पकड़ के पकड़ के मारो यार यहाँ नहीं आएगा गाइस नहीं देखा उसने नहीं देखा छुप जाते हैं A few inches later. भाई बता नहीं बाई वन किधर है मैं तो सोच रहा हूँ पहले अंडे निकालो यहाँ से और चलो कितने का भाई चालीस लेवल का अंडा है भाई हाथ होती है भाई कोई अच्छा सा अंडा दो यहाँ पे भी अंडे होते हैं यार किधर है भाई ढूंढने पड़ेंगे मेरे को ओ ये रहे, ये गाइस वन नाइनटी का है और दूसरा फोर्टी भाई फोर्टी लेवल का क्यों दे रहे हो यार मेरे को अंडे चुरा के यहाँ से भागना पड़ेगा देखो एक तो यही बैठा भाई एक यही बैठा है देखो जैसे मैं वन नाइन्टी वाला उठाएगा मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा आई होप और अरे भाई क्या कर रहे हैं ये एक मिनट एक मिनट तो भाई जैसे ही मैं उठाऊंगा यहाँ से निकलना पड़ेगा वन टू थ्री लेट्स को क्योंकि पता है मैंने कोई आर्मर नहीं पहना तो भाई मेरी तो वाट लग जाएगी ये ये बच सकता है लेकिन अपनी वाट लग जाएगी फिर गुफा में आना हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल फिर एंडू सार्कस से आना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता तो यहाँ से निकलते हैं भाई एक अंडा मिल गया एक बाद में लेने आ जाएंगे भाई अभी बाईव का एग भी लेना है फिर यहाँ से निकलते हैं भाई वो यार ये बताओ मेरे को ये इतनी छोटी गुफा में फायर बाय वन क्या कर रहा है मुझे ये बताओ हमारा तो कोई फ्लायर नहीं आता भाई तुम हमारा छोटा सा अपना पेट्राडोन भी नहीं लाने देते तो यहाँ पे फायर बाय वन कर रहे हो भाई अलग ही लॉजिक है स्कीम के तो चलो चलते हैं भाई फायर बाय वन के अभी अंडा लेते हैं चलो भाई यहाँ से निकलते हैं भाई मेरे को अंडा चाहिए भाई मेरे को कुछ भी करके अंडा चाहिए और पता है अपनी जो डैस है उसकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा स्लो है भाई इतनी ज़्यादा स्लो कि इसको तो मैं सच्चे बता रहा हूँ इसको तो अपना खचुआ पकड़ लेगा जो कार भी कार भी कर अरे भाई एक एक पड़ी है पीछे रुके हो कितना लेवल हो भाई तेरा तुझे मैं बताता हूँ रुक जा। हीरो बन रहा है तो हीरो बनेगा तो फायर बाइवन होगा अपने घर का रुक जा रुक जा अब डैस मोडस बोलते हैं मेरे को कहीं मैं घूम के चले जाता हूँ समझ में आ रहा है रुके जा रुक जा डैसो मारी उसे डैसो मार 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 अरे इसको बता दे भाई अपन लोग कौन है चलो हीरो ना तो बना दिया हीरो अब क्या <laughs> अंडे चाहिए भाई अंडे अंडे हैं इधर 120 का है ये कितने का भाई थ्री के भाई दो अंडे ले जाऊंगा एक तो ये 300 वाला एक 350 वाला एक तो मैंने उठा लिया अब जैसे ही उठा लूँगा मैं सारे के सारे मेरे पीछे आएंगे एंड मुझे उनसे बच रहा है एक अपना 350 वाला वाला लेके जाना है इधर कुछ है वन uh, ट्वेंटी का वन ट्वेंटी का तो नहीं चाहिए मेरे को मेरे को थ्री फिफ्टी वो भाई रैक्स नीचे रैक्स ही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा यार ये लोग इतने नीचे नीचे आ कैसे जाते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता एंड चलो ढूंढते हैं भाई अपने को थ्री फिफ्टी वाला चाहिए एक थ्री फिफ्टी वाला अपन लोगों ने देखा था हाँ इसी गुफा के आसपास था भाई फाइव आई वन नीचे बैठा है और मैं ऊपर से उसके अंडे ले जाऊँगा ये रहा ये रहा गाइस बस इसको उठाना है मेरे को फिर यहाँ से निकलना है कैसे भी करके उसे उठाऊँ और ये अरे भाई लग गए लग गए गाइस लग गए लगे लगे ऊपर रोड ना कधेड़ा ऊपर रोड अबे भाई ये से क्या हो गया अबे भाई ये पागल हो गया है ऊपर चलना भाई इसे क्या हो गया था रुको रुको रुक पहले ऊपर चलते हैं भाई यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो एक बार मैं मेविंग पे बैठ गया तो भाई ये लोग मुझे पकड़ने वाले तो है नहीं भाई दोनों अंडे ले आया मैं दो दो भाई एक थ्री हंड्रेड का एक थ्री फिफ्टी का चलो मेविंग पे बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं वैसे मेरे पीछे आ तो रहा होगा कोई भाई कोई नहीं आ रहा तो मैं अपने बच्चों की फिक्र नहीं कैसे टाइन भाई हद है यार ओके गाई इस तो हम लोग फाइनली घर पे आ गए दोनों अंडे लेके और गाइस ये देखो पीछे सोड़ कितनी कमाल लग रही है ये ना मैंने अभी लगाई थी इसको ना यहाँ पे लगाते हैं भाई और ये कितनी ज्यादा दाजू लग रही है भाई पूरा वाइकिंग वाला लुक आ रहा है फिलहाल ना अपन लोगों को जनरेटर लगाना है तो मेरे को ये फेब्रिकेटर हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं जनरेटर यहीं पर लगाने वाला हूँ और ये दोनों भी मैं हटाने वाला हूँ मतलब मेरे को ये ना जनरेटर और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें मैं यहीं पर रखने वाला हूँ और फिलहाल इस फेब्रिकेटर को मैं उठा लेता है चलो इसको पिक करते हैं इसमें क्या था भाई कुछ कुछ ओ भाई फिर सारा सामान था बाबा तो भाई अपन लोगों ने जनरेटर तो पहले ही बना के रखा है तो जल्दी से इसको मैं पिक करता हूँ और जल्दी से इसको लगा देता हूँ फिलहाल मैं इसको ना यहाँ पे लगाने वाला हूँ हाँ ये वाली जगह अच्छी है तो फिर ये वाली टेबल मेरे को हटानी पड़ेगी और उसके बाद अपना जनरेटर यहाँ आ जाएगा जिससे ना सारी चीज़ें चलेंगी तो इसको ना पिक कर देते हैं पिक जल्दी आओ एंड इसको यहाँ इसको भी पिक कर दो इसको भी पिक करो तो गाइज जनरेटर मैं यहाँ रखने वाला हूँ एकदम परफेक्ट जगह है जनरेटर के लिए एंड आई थिंक ये वाली जगह अच्छी है अब जल्दी से एक वायर कनेक्ट करना है मेरे को और इसके बाद अपन लोगों को लगाना है एक आउटलेट और उसके बाद अपना जनरेटर करने लगेगा बार बस इसमें फ्यूल डालना है फ्यूल अपना इसमें होना चाहिए सेकेंड वाले में फ्यूल होगा या सारा फ्यूल ले जाऊँगा क्योंकि मैं सारा का सारा जनरेटर में ही रख दूंगा और जनरेटर सारी चीज़ें अपनी पावर अप कर देगा तो इसमें रखो और इसको करो पावर ऑन और अब गाइस मेरे को जो है अपना रेफ्रिजरेटर देखना है मैंने एक बनाया है ना हाँ तो इसको ना मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ देखते हैं क्या ये ऑन होता है या नहीं पावर्ड है भाई पावर्ड है भाई बस यही मेरे को चाहिए था अब जितनी भी चीजें होंगी मैं इसमें रख दूंगा फिलहाल ना मेरे को एसी बनाने ताकि अपन ये अंडे जो हैं वो हैच कर सकें और भाई एसी बेस्ट है भाई पांच एसी बना दो बस कोई भी एग हो वो एच हो जाएगा तो मैं एग बाद में एच करूंगा फिलहाल अपन लोग चलते हैं इक्के को टेम करने के लिए तो उसके लिए हमें चाहिए सब्जी सब्जी नहीं मिलेंगी तो मेजो बेरी से टेम करना पड़ेगा तो मैं ना पहले सब्जी ढूंढने जा रहा हूँ जो अपन लोग मेविंग के साथ चलते हैं और गई सब लोग यहाँ से निकले हैं उससे पहले मैं आप लोगों को स्टैगो की एबिलिटी दिखाता हूँ देखो पता है इसके ना मोड़ होते हैं अगर मैं सी दबाऊंगा तो इसके मोड चेंज होंगे अभी देखो देखो भाई ये अलग मोड है इसके ना तीन मोड है तो गाइस आप लोगों को राइट में दिख रहा होगा इसके तीन मोड़ हैं ये सेकंड है सेकेंड मोड़ और ये है इसका टॉप मोड़ जिसमें ना अपन लोग कोई उतार ही नहीं सकता और भाई इसका लुक देखो भाई टॉप मोड में क्या ही शानदार लगता है भाई और ये है अपना जिसमे ना ये बेरी कलेक्ट करता है भाई इसमें तो बहुत कमाल बेरी कलेक्ट करता है और शानदार कितना लगता है देखो इसके विंग से लगते ना आ भाई बहुत कमाल है और देखो अगर मैं ये वाला मोड करूंगा तो देखो ये मेरे को बेरी ला देगा अदरवाइज नहीं देता भाई अगर मैं इसका मोड चेंज कर दू ना जैसे सी से वैसे चेंज करते हैं जिन लोगों को नहीं पता और भाई अभी मेरे को बेरी लाके नहीं देगा देखो तो ये इसका टॉप वाला मोड है और इसमें भाई बेरी अपन लोग को देता ही नहीं है ये देखो अगर मेरे को बैरी चाहिए तो मेरे को सेकंड और थर्ड यूज करने पड़ेंगे किसी की भी जरूरत नहीं है मेरे को अब तो दो मिनट में मिल जाती है बाकी भाई तू यहीं पर बैठे रह और अपना वेट बढ़ा अब मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ भाई चलो इसकी एबिलिटी दिखा दी भाई दिखा कितना ज्यादा कमाल है भाई इसके तीन मोड है भाई बहुत कमाल है ये और चलो चलते हैं आप लोग इक्वस को टेम चेक करने चलेंगे उससे पहले ना मैं थोड़ा सा नारकोटिक बनाने डाल देता हूँ क्योंकि अब मेरे को वैरी मिल गई है तो नारकोटिक्स बनवा लेते हैं भाई और नार्कोटिक गाइस तो मैंने केमिस्ट्री बेंच की जगह चेंज कर दी क्योंकि वहाँ इसको पावर नहीं मिल रही थी यहाँ पे मिलेगी तो इसके सारा सामान लेके सी में डाल देता हूँ और अब ना ये मस्त से चलेगी भाई अब जल्दी से नारको बेरी बना लेते हैं एंड फिर यहाँ से निकलते हैं गाइस ओके गाइस तो यहाँ से टाइम है निकलने के चलो मेविंग से चलते हैं भाई मेविंग अपने पास है और डेस्ट मोटर्स मेरे पास है बस ये तो होना चाहिए मेरे को अब यहाँ से निकलते हैं और एक इक्वेस्ट ढूंढते हैं बढ़िया लेवल का मिल जाएगा मतलब टू के आसपास का तो मस्त उसको टेम करेंगे और गाइस अभी रेक्स की आर्मी भी बनानी है जो कि मैं बना लूँगा ऑफलाइन और गाइस आप लोग गीगा गीगा बहुत कर रहे हो बट गीगा इज़ वेरी रेयर भाई क्या करूँ मैं मेरे को मिलता ही नहीं है बट मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जिन लोगों को नहीं पता यह है अपना डे सिक्सटी अब लोगों ने फिर से स्टार्ट किया है और इस बार डे ना नॉर्मल है तो जल्दी जल्दी दिन हो जाते हैं वैसे मैंने इनका डे ड्यूरेशन बढ़ा दिया था लेकिन इस बार मैंने नहीं बढ़ाया तो हाँ अब दिन ना बहुत जल्दी हो जाता है भाई आप लोग देख रहे हो गए शाम होने वाली है जबकि हमने ने कुछ भी नहीं किया बस उसके अंडे लेके आए हैं दोनों के मेघमास और, और वन के और उसमें शाम हो गई सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में जैसे ही मेरे को इक्वेस्ट मिल जाएंगे तभी मिलते हैं गाइस पता है ढूंढ रहा था और देखो मेरे को क्या मिला भाई ये देखो ओ oh, पूरा झुंड भाई ओ माई गॉड लेकिन पहले मैं पता है इन्हें मार के नहीं जाने वाला मैं इनको ऐसे छोड़ दूंगा क्यों मैं इनको टेम और टेम करने के बाद हम इन्हें कर बेबी करेंगे, करेंगे। I mean, <laughs> oh, बढ़िया रहता है भाई रॉ मटन की फिर कमी नहीं होगी और एक है भाई एक नहीं दो दो इक्व है हटाना पड़ेगा ओ चल चलिए मे

चलो गिली सूट अपन लोग बना के लेके आते हैं और कल सुबह ही मिलते हैं गाइस क्योंकि अब तो हो गई है रात और रात में मैंने ही करने वाला टाइम आप लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा गामा वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और गाइस थैंक यू फॉर द कमेंट कितने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो भाई सच्चे में बहुत अच्छा लगता है एज अ कमेंट देख के तो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया भाई कुछ भी कमेंट कर दो तो मुझे नहीं पता बस मुझे कमेंट चाहिए आपकी आइडी से हर बंदा एक एक कमेंट करो और लाइक करो मुझे नहीं पता गाइस पचास लाइक का गोल है तो फटाक से लाइक कर दो एंड कमेंट करो भाई कुछ भी कमेंट करो यार और के बारे में कमेंट गिली सूट बना लिया और पता है मैं सब्जियाँ लेके आया हूँ जिन लोगों को याद होगा कि यहाँ पे ना एक जगह होती है एक गांव होता है जहाँ हमें सब्जियां मिलती हैं तो मैं वहीं से सब्जियाँ लेके आया हूँ मैंने उगाई उगाई कुछ नहीं है भाई उगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड ये है अपना इक्वस जिसके पास जाना है मुझे बैठ के और इसको खाना खिलाना है सिंपली इससे थोड़ा थोड़ा दूर जाना है भाई पैसे पर टेम ना हम से दत कर देते हैं सच और भाई एंडू पहला मैंने अभी बकाए हैं यार अरे भगवान इनको मेरे को पैसा भगाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये रहेंगे ना तो ये मेरी टेमिंग नहीं करने देंगे ए चलो मेरे पीछे आओ दोनों के दोनों हाँ आ जाओ भाई इनको ना बार बार भगाना पड़ रहा है मेरे को मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई जल्दी आओ दोनों मेरे पीछे भाई जैसे मैं पता है अच्छा ये री हो जाते हैं वही मैं कह रहा हूँ कि यार ये बार बार क्यों आ रहा है भाई री हो रहे हैं बार बार इनको ना नीचे गिरा दूंगा मैं उसके बाद आ जाऊँगा आ जाओ बच्चो जल्दी आओ जल्दी आओ भाई मेरे पे अटैक करो अटैक ऑन मी बॉयस क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो आ आ जाओ जाओ आ जाओ भाई दूसरा वाला तो आया ही नहीं है दूसरा वाला अब आया चंड चालाक वो कह रहा मैं नहीं आएगा अब तो आएगा अब तो आएगा भाई इसकी हेल्थ कितनी है ओ सॉरी सॉरी भाई हेल्थ देखो उसकी मेरी इतनी हेल्थ भाई इतनी ज़्यादा हेल्थ लेके कहाँ घूम रहे हो भाई तो भाई वो तो तो जा चुके हैं लेकिन टाइम है अपना इक्व स्टेम करने का अभी पता है सुबह सुबह का टाइम हो रखा है छः ही बजे हैं भाई चलो चलो सुबह सुबह उबर इक्वे स्टेम करते हैं यही वाला है जो हमें चाहिए आई थिंक यही है ना थ्री हंड्रेड लेवल वाला इसके पीछे जाके बैठ के मेरे को टेम करना है लेट्स को भाई तो एक बार मैं इसके ऊपर बैठ जाऊँ बस मैंने लास्ट स्लॉट में पता है रॉकरट रख दिया है होपफुली भाई ये खा ले ओके ओके प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाऊँ बैठ जाओ बैठ जा एक बार खिलाना है मेरे को भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं भाई कहीं भी चढ़ रहा है तू अरे भाई, भाई 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 पैसे झंझट है भाई गाइस पैसे इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है भाई पैसे टेम ना इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है ओ हो 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 भाई सच्ची में कैमो फ्लास्क कह दिया मैंने <laughs> दिख ही नहीं रहा चलो, चलो 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 खिला दो खिला दो बस एक बार इसके पास जाके मैं इसको खाना खिला दूँ यार खाना 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 खा ले खा ले खा ले एंड यस यस yes, yes भाई बैठ गया बैठ गया ओके 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 अब मेरे को भाई बस इसको खाना खिलाते रहना है बस गाइस तो अब मेरे को सिर्फ खाना खिलाते रहना है और जैसे ये बोलेगा अब मेरे को खाना खिलाना है भाई नीचे मत जा प्लीज़ मत जा मत जा भाई ये कहाँ जा रहा है चलो ठीक है नीचे नहीं जा रहा प्लीज़ टीम हो जा भाई थर्टी वन परसेंट हो गया टीम बस खाना खिलाना है अपने को और ये राइट में दिखता है मतलब दिख जाएगा राइट में नीचे बस ये बता देगा इसको खाना खाना है और हम लोगों को सिर्फ सिंपली खाना खिलाना है अच्छा है मैंने सारे एंड्रू वगैरह भगा दिए तो हाँ भाई अब मैं इजीली टेम कर सकता हूँ इसको भाई ये बहुत शानदार है भाई मैक्स लेवल का मिलकर ये सबसे अच्छी बात है और फटाक से मैं इसको टेम करना भाई जल्दी हो जाओ भाई खाना मांग भाई 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 फोर्टी फोर परसेंट हो गया गाइस नाइस नाइस बस ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा गाइस 44% हो गया प्लीज हो जा हो जा गाइस ये देखो रॉक राइड की वजह से इतना लेट हो रहा है अगर मैं ना इसको मीजो बेरी खिलाती ना कल तक होता भाई ये मैक्स लेवल का भाई जल्दी से हो जा आसपास और कोई तो नहीं है हाँ ये देखते रहना है मेरे को अगर और कोई आ गया तो वाट लग जाएगी और मेरी इफेक्टिवनेस भी जाएगी ये भी जाएगा हम भी जाएंगे पूरा पोपट हो जाएगा और भाई मैं इधर उधर की नहीं देख सकता अरे भाई जिधर ये देख रहा हूँ उधर ही देख सकता हूँ मैं ओ खाना खिला दिया भाई जस्ट बच गया मैं इफेक्टिवनेस अभी हंड्रेड परसेंट ही है जस्ट बच गया भाई अगर मैं इसको खाना नहीं खिलाता सही टाइम पे तो ये मेरे को फेंक देता और इफेक्टिवनेस भी चाहती नीचे मत जा अच्छा बात है ये यहीं पे है भाई अगर ये नीचे नीचे जाएगा तो वाट लग जाएगी टीम हो जा टीम हो जाएस भाई सेवेंटी टू परसेंट गाइस होने वाला है होने वाला है आई थिंक दो बार और खाना खाएगा उसके बाद ये हो जाएगा और गाइस अगर आप लोग नए ऐसे हैं पे तो मेक sure श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार वो सब्सक्राइब बटन पर इक्वस फेंक के मारो या रैक्स फेंक के मारो मुझे नहीं पता बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए आई थिंक ये लास्ट टाइम है जो ये खाना मांगेगा उसके बाद ये टेम हो जाएगा होपफुली ऐसा होना चाहिए अगर ये इससे भी ज़्यादा मांगे ओ यार मैं गदाऊँ यार अगर मैं वो लेके आता ना एलेक्जर तो ये कब का हो चुका होता भाई साहब इतनी बड़ी गलती कर दी आई थिंक मेरे पास एलेक्जर होगा मैं रिस्क ले रिस्क लूँ रिस्क कर लूँ इसको लास्ट टाइम खाना खिलाऊंगा उसके बाद एलेक्जर खिला दूंगा क्योंकि अभी इसने खाना खाया है ना थोड़ा टाइम हो गया ओके okay, अब मैं जल्दी से एलेक्जर खा लेता हूँ आई थिंक एलेक्ज़र अपन लोग खा सकते हैं अरे नहीं खा रहा भाई एलेक्सा क्यों नहीं खा रहा भाई गलत बात है एलेक्सा खा लेना चाहिए था यार हाँ यार मूड खराब हो गया सारा को सारा जल्दी खाना खा ले एक लास्ट लास टाइम है गाइस जैसे ही खाना मांगेगा मैं इसको देगा और ये टीम हो जाएगा जल्दी से जल्दी 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 जल्द, जल्द। जल्द हो जाए यस यस गाइज फाइनली अपन लोगों ने इक्का स्टेम कर लिया क्या ही शानदार लग रहा है अब इसको लेके चलते हैं घर पे और घर पे देखेंगे भाई यहाँ पे नहीं यहाँ पे एंट्रो वगैरह भी है और मेविंग मेरी अपनी यहाँ पे मस्त बैठी है तो गाइज आज की वीडियो में ना काफी मज़ा आ गया भाई और भाई बाईव के अंडे ले आया मैं मैगमास और अंडे ले आया इक्का स्टेम कर लिया और भाई वाइकिंग वाले कपड़े भी बना लिए तो चलो घर पे चलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं भाई हाँ आज तो मज़ा आ गया भाई लेट्स को गाइस घर जाते हैं लेट्स को स्पीड से चलते हैं भाई मेपिंग ना बहुत मस्त है भाई मेविंग बहुत मस्त है मेविंग से तो इसको हो भी नहीं सकता है, भाई इतना तेज़ा मज़ा आ जाता है एंड लेट्स गो गाइस गो ओके गाइस तो फाइनली आप लोग अपने कासल पे आ गए जल्दी से मैं ना इसकी शेडल बनाता हूँ फिर इसको ट्राई करना भाई बहुत मस्त है भाई इसकी uh, मेरे को जल्दी से राइड करनी है एंड आई थिंक इसे अपनी स्मृति पे बनेगी uh, एक शेडल की चला के देखना है और कितना तो प्यारे कलाकारों ने टेम किया है भाई पहली बार मैं राइड करने वाला हूँ काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जल्दी आ जा जल्दी भाई लेट्स को। लेता हूँ और इक्स को निकालता हूँ फिर इक्स को टेम क... राइड करते हैं भाई अभी भी टेम का टेम बोल रहा हूँ मैं हाथ और ये सब्जियां वग़ैरह ना मैं रख दूंगा वरना ये ख़राब हो जाती हैं। लेट्स को जल्दी से निकालते हैं राइड नहीं करना भाई राइड नहीं करना इसको सेडल पर है गाइस ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है यार अब इसकी राइड करके देखते हैं कैसा है ओ हो ये नॉर्मल है भाई नॉर्मल अभी ना मैंने स्प्रिंट वगैरह नहीं किया ओ स्पीड तो ठीक है भाई देखो अपने एनरोज इतनी एनरोज तो थो थोड़ी कम होगी लेकिन हाँ अच्छा तो है भाई, भाई देखने में कितना प्यारा लगता है और सबसे अच्छी बात पता है ये क्या है मोटर एंड पेस्ट का, का काम करता है भाई ये देखो इसकी अगर मैं इन्वेंट्री खोलता हूँ तो अपन लोग कुछ भी बना सकते हैं जो मोटर एंड पेस्ट में बना सकते हैं और भाई ये लाशो भी बनाता है लाशो क्या एक रस्सी होती है जिससे हम किसी भी क्रीचे को खींच सकते हैं छोटे छोटे क्रीचे कोई बड़ा क्रीचे नहीं तुम बोलो कि रेक्स को खींच के लेके आओ या घीघा को खींच के लेके आओ वो नहीं होगा भाई लेकिन छोटे छोटे क्रीचे खींच सकते हैं लेकिन भाई ये देखने में क्या शानदार लगता है और फाइनली लोगों ने एक रिक्वेस्ट तो टेम ही कर लिया भाई वैसे भी टेम तो कहना ही था और गाइस गाइस तो आज के एपिसोड में बस इतना ही आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो गाइस फाइनली अपन बाई वन और मैगमा सॉर के अंडे लेके आ चुके हैं और भाई आज अपन लोगों ने जनरेटर भी इंस्टॉल कर दिया वाइकिंग के कपड़े पहने जो कि बहुत शानदार लग रहे हैं और भी, भी टीम किया और गाइस मैं ऑफलाइन क्या करूंगा रेक्स के बच्चे बड़े कर लूंगा तो वो अपनी क्या रेक्स की आर्मी भी हो जाएगी और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और डायनो की आर्मी तैयार करूँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और गाइस लाइक करो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग और टीम करें तो आप लोग फटाक से लाइक करो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आज एपिसोड में बस इतना ही बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग भाई कुछ भी बोलो देखने में तो बहुत शानदार है भाई अः एक मिनट ये देखना था जंप वगैरह अभी क... ओ जंप करता है भाई नाइस अच्छा एक काम करते हैं एंकी के ऊपर से चलते हैं गाइस अगर देखते हैं गाइस ये एंकी के ऊपर से जाएगा यानी वन टू थ्री ओ नहीं जाता <laughs>